Hey guys, welcome back to my channel Neet Funda. और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो DLP ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि सारा प्रोसेसिंग कैसा है. तो अभी मैं करने वाली हूँ फ़ोन से बिकॉज आई डोंट हैव लैपी. सो तो सबसे पहले हमें एक साइट पे जाना है जो कि है DLP. देखो ऊपर में ही आ गया है dlp.allenac.in. तो अभी हम इस पे टच करेंगे, यहाँ पे जाएंगे. सबसे पहले हम जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन में. तो आप अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे, वहाँ पे आपको दो चीज़ें आ जाएंगी. यहाँ पे एक तो हो जाएगा एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट एंड न्यू एप्लीकेंट पे. अगर आप पहले से ही आपने ले रखा था पिछले साल प्रीवियस ईयर तो आप इस पे जाएंगे, ठीक है ना. अगर नहीं ले रखा है तो आप न्यू एप्लीकेंट पे जाएंगे. तो चलो मैं न्यू एप्लीकेंट पे जाती हूँ. और अभी एक विंडो ओपन हो गई है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से ही आ गया. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है. जैसे कि ये देखो पासवर्ड वगैरह आपने डालने हैं, ये सब डालना है. और आपको बताना है कि आपने एजुकेशन बोर्ड किससे किया था, आपके CBSE था या जो भी था. क्लास बतानी है, स्ट्रीम बतानी है आपको, ठीक है. कोर्सेज बताने हैं और आप कौन से मीडियम से हैं ये भी बताना है. फिर आपको टेस्ट किस में चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश में, ये सब जाना है. उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बताना है, अपना नेम फिल करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन और मदर्स का ऑक्यूपेशन भी करना है, ठीक है. और ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, भर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं. तो और आपको कंपलसरी है कि आपको आधार कार्ड नंबर भी बताना है, ठीक है. और इसमें आपको एड्रेस भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे. मतलब सारी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और मोबाइल नंबर दे देंगे, जिससे कि मतलब आपको मोबाइल नंबर वही देना जो कि भी करंटली आप यूज़ करें, क्योंकि उस पर ना मैसेज आता है. जब भी आपकी टेस्ट होती है ना तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है टेस्ट से पहले, और अगर टेस्ट कोई कैंसिल होता है, टाइमिंग चेंज होती है, तो वो आपको उस पर बताया जाता है. और हाँ, आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, जिससे कि आप मतलब बिल्कुल ही आपको ना दोनों मतलब ईमेल होता है जो आपका मेल, उस वो लोग मेल भी करते हैं आपको, लेकिन ज़्यादातर वो आपको मैसेज कर देते हैं क्योंकि वो करंट यूज़ कर रहे होते हैं ना वो. तो इसलिए आप अपना फ़ोन नंबर वही यूज़ करें जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना. मतलब वही वाला नंबर आपको दे दे रहा है. उसके बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे. और इसके बाद आपके पास, अभी मेरे को ये सब फिल नहीं करना है तो फिल करेंगे. उसके बाद में आपके पास दो तीन ऑप्शन और आते हैं, उसमें चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा पैकेज लेना है, ठीक है ना. कि आपको मतलब कितने रुपीज़ वाला टेस्ट लेना है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में दिया रखा होता है. तो आप वो फिल कर सकते हैं, उसके बाद में आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपको वही जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, तो उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको. उसके बाद में एक कोड आता है आपके पास, उससे मतलब आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है. बस इतना ही से प्रोसेसिंग था, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.